नमस्ते एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बूंदी खीर की रेसिपी। तो चलिए सबसे पहले इसकी सामग्री हम देख लेते हैं। हमें लगेगा यहाँ पर बूंदी, ड्राई फ्रूट पाउडर, मिल्क पाउडर, इलायची पाउडर और केसर, दूध और शक्कर स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम एक पतीला लेंगे, उसे गर्म करेंगे, उसमें हम दूध बॉईल करेंगे। एक मिनट लो फ्लेम पर हम दूध को बॉईल कर लेंगे। ये खीर मैंने बची हुई बूंदी से बनाया है। अगर आपके घर पर बूंदी का लड्डू है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट में खीर बनकर तैयार हो जाता है। तो अगर सडन गेस्ट हैं, कोई गेस्ट आ गया अचानक से, तो ये परफेक्ट रेसिपी है। डेजर्ट मीठा जैसे बोलते हैं हम, खाने के बाद या बनाकर पेश कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। इसे बनाने में ज़्यादा देर भी नहीं लगती है, करीब 5 से 10 मिनट के अंदर आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म अगर ठंडा करना है तो थोड़ा पहले बनाकर चिल कर लीजिए, फिर अपने गेस्ट को सर्व करिए। अब दूध हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे केसर, ताकि केसर का रंग अच्छे से दूध में उतर जाए। केसर ऐड करने के बाद करीब थोड़ी देर आप उसे पकाइए, फिर हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को भी हमें अच्छे से चलाना है, ताकि इसकी गुठलियाँ न बने, लम्स को तोड़ना है। मिल्क पाउडर ऐड करने से इस खीर की टेक्सचर और उभर कर आती है। मिल्क पाउडर अगर आप स्किप करते हैं तो आपको दूध को थोड़ा गाढ़ा करना पड़ेगा। तो ये इंस्टेंट खीर है, तो इसलिए हम यहाँ पर मिल्क पाउडर यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर, और फिर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट पाउडर। थोड़ी देर इससे और पकाएंगे इस दूध को। शक्कर ऐड करते वक्त ये आप ध्यान दीजिएगा कि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है और बूंदी भी मीठी होती है, तो स्वाद अनुसार आपको इसमें शक्कर ऐड करना है। थोड़ी देर पकाने के बाद तब हम इसमें ऐड करेंगे बूंदी। बूंदी डालने के बाद हम इसे करीब 1 मिनट तक और पकाएंगे, फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। लीजिए, एकदम बनकर तैयार हो जाएगा आपका बूंदी का खीर का रेसिपी। जैसे जैसे ये खीर ठंडा होता है, ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने बूंदी ऐड किया है जो बेसन से बनता है। तो वो आप ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा इसको डालकर पकाना नहीं है बूंदी को। ये हमारी बूंदी की खीर की रेसिपी एकदम परफेक्ट रेडी है। इसे सर्व करिए अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, गेस्ट के साथ। इंस्टेंट बन जाता है। और ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी और ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर इसे सब्सक्राइब करिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज़रूर मुझे वहाँ पर फॉलो करिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।